फाइनली हो चुका है ये, देखिए इस तरीके से दर दर पीस चुका है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ और एक आएगा, हो गया। अब खाने वाली है मेरी बहन, खा के बताएगी कैसा लग रहा है, खा के बताना टेस्ट। मैं इस चैनल पे न्यू वीडियो से स्टार्ट करने वाली हूँ नए तरीके का, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करना, साथ देना। ऐसे मैं कुछ कुकिंग करूंगी तो उसमें उसकी जो रेसिपीज वगैरह शेयर करूंगी, एंड देन साथ में ईटिंग भी करूंगी, मतलब खाऊंगी भी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, मतलब जितना कम लेंथ में मैं आप लोग को वीडियो में हर चीज़ दिखा सकूँ वही कोशिश करूंगी। तो ये मैंने रात को साबुत जो मूंग दाल होता है वो भिगा के रखी थी, तो अभी सुबह का टाइम है तो मैं इसे एकदम हेल्दी प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो अभी वायरल चल रहा है, हर जगह हर ऊपर डाल रहा है, तो वहीं से ही मैंने देख के सीखा है, मुझे पर्सनली ये बनाने नहीं आता था। तो चलिए स्टार्ट करते और टेस्ट का आप लोगों को जरूर बताऊंगी कैसा लगता है। अब मैं इसे पीसने वाली हूँ मिक्सी में, दरदरा पीसूंगी, और साथ ही यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह काट लिया, प्याज काटी हूँ, आलू कद्दूकस की हूँ, टमाटर है, धनिया पत्ती है, अदरक और लहसुन है। तो ये पेस्ट करने के बाद फिर ये सब मैं मिक्स करूंगी, आप लोग पूरा फॉलो करना प्रोसीजर वगैरह। बाद इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी हो इसलिए मैं ये चावल आटा मिक्स करने वाली हूँ। तो देखिए बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होने वाला है, चावल का आटा है, ठीक है, ये तो प्रोटीन से भरपूर है, रिच प्रोटीन है, फिर ये आपका कार्बोहाइड्रेट आलू जाएगा। ब्रेकफास्ट बच्चे लोगों के लिए बहुत हेल्दी होता है, और मैं मिर्च नहीं दूंगी क्योंकि रिशु भी खाने वाली है, इसलिए आप चाहे तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च दे सकते हैं, मैं थोड़ा सा भी नहीं दूंगी। ये मतलब ये मोस्टली रिशु के पर्पज़ से ही बनाया गया है, और इतना मैं रख दूंगी थोड़ा सा अंकुरित होने के लिए, फिर इसे ऐसे नॉर्मल भेल वगैरह बना के खाऊंगी। अब इसे मिक्सी में मैं ग्राइंड करने वाली हूँ, एकदम थोड़ा सा दरदरा पीसना, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रहेगा ना तो खाने में और टेस्टी लगेगा, मतलब जो दाल है ना वो अगर मुंह में आएगा खाते वक्त तो और टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो कटे हुए प्याज वगैरह इसके साथ मिक्स कर सकते हैं मिक्सी में, बट मुझे लगता है कि अलग से मिक्स करने से ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि अलग से मिक्स करने पर उसका स्वाद ही अलग आएगा ना, अगर पेस्ट कर देंगे तो पेस्ट ही हो जाएगा उसके अंदर। तो फाइनली हो चुका है ये, देखिए इस तरीके से दरदरा पीसना है, एकदम ज्यादा नहीं है। अच्छा उसको बनाना शेक पीने, मम्मा केला बनाओ बोल रही है, बनाएंगे बेटा बनाएंगे, पहले ये खा लो फिर, ठीक है। तो अब सब धीरे धीरे मैं मिक्स करने वाली हूँ, आपको केला उसको बनाना शेक पीना। इस तरीके से दरदरा पीस चुका है, अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब इसमें से मैं इसमें अब आलू देने वाली हूँ, अब ये प्याज जाएगा इसमें, इसको ना अच्छे से मतलब मिक्स करना है। हाँ बेटा बनाएंगे बनाएंगे। अदरक लहसुन आ गया, आपका धनिया पत्ती आ गया, टमाटर भी ऐड होगा, अब उसको वही पीना है। केला तो खत्म ही हो गया, कहाँ से बना रही हूँ बेटा, बना रही, मम्मी अभी बनाएगी, ठीक है। ये अब इसको इसमें अब डालना है चावल आटा, इसमें मिक्स करने वाली हूँ चावल का आटा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो, इसलिए चावल का आटा मिक्स कर रही हूँ, चावल का आटा हेल्दी भी रहता है। अब इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक मिक्स करना है, कितना चाहिए ही रहेगा। मैं इसमें एक्स्ट्रा और कोई भी मसाला जैसे चाट मसाला हो गया या फिर कोई भी मसाला यूज नहीं करूंगी, क्योंकि इसका जो एक्चुअल टेस्ट आने वाला है, फ्लेवर आने वाला है, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर मसाला मसाला लगेगा, इसलिए इससे एक्चुअल जो उसका फ्लेवर वो बना रहे, फिर कुछ भी मसाला यूज नहीं करूंगी। बस अब इसे अच्छे से हाथ से मैश करूंगी, फिर गोल गोल लोई बना के थोड़ा चपटा करके फिर इसका बड़ा बनाने वाली, एकदम कम तेल में। इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करना है, देखिएगा आखिर में डो टाइप का तैयार हो जाएगा। फाइनली इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिए मिक्स हो चुका है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके से गोल 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 करके फिर ऐसा थोड़ा चपटा करके फिर कढ़ाई में देना है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना,
मैं मतलब यहाँ से आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ। चलिए स्टार्ट करते बनाना। मैं ना मतलब जितना कम मसाला से जितना टेस्टी खाना बना सकूँ मैं इस पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट सब्जी का आना चाहिए। मसाला मसाला भर दोगे तो सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता, मसाला मसाला लग जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट यूज किया, बाकी इसमें जितना सारा प्याज है, लहसुन है, अदरक है, टमाटर है, फिर मूंग दाल है, ये सब का फ्लेवर इसमें आने वाला है। तो पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें देने वाली हूँ ऑयल। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, मैं इसमें राइस ब्रांड का रिफाइन ऑयल यूज करूंगी, सरसों तेल से नहीं बनाऊंगी, ज्यादा नहीं एकदम कम तेल देना है। फिलहाल ये तेल में दे चुकी हूँ, अब इससे डो बना बना के अब मुझे देना है। ये देखिए इस तरीके से ये डो बनाना है, बन गया। फिर ऐसा रखना है और आंच को कम ही रखना है, नहीं तो अंदर में पकेगा नहीं और ये जल जाएगा आपका नीचे से, इस तरीके से। तुम्हारी देखती हूँ टेस्ट टिश्यू को कैसा लगता है, उसको पसंद आएगा तो हफ्ते में उसे एक बार जरूर बना के दूंगी। बच्चों लोगों को भी पता होना चाहिए ना, अलग अलग तरीके का नाश्ता भी होता है ये। और एक आएगा, हो गया। किस किस ने घर में ये नाश्ता ट्राई किया मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मैं तो पहली बार बना रही हूँ और स्वाद, मुझे इसका स्वाद का आइडिया नहीं है, बट खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, नो डाउट। और ये मसाला नहीं देने का आइडिया मेरा है, क्योंकि मुझे ना नेचुरल जो इसका फ्लेवर वो ज्यादा, मतलब मैं ज्यादा पसंद करती हूँ, थोड़ा मसाला कम ही खाती हूँ। अभी से थोड़ा सा पलटा जाए, यस हो रहा है ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि कच्चा कच्चा चीज है ना, तो कोई बात नहीं, 10 मिनट तो लगेगा इसे पकाने, और कम आंच में पकाना है। ये तो जैसे बोली नीचे जल जाएगा लेकिन अंदर में पकेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा, तो ये लो फ्लेम में ही है। देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर हो चुका है दोनों साइड से और ये पक भी चुका है, ठीक है। मैं इसको रखी थी 5 मिनट तक, ये पक चुका है। अब बारी इसे टेस्ट करने की, कुछ नया चीज आज घर में बनाई हूँ, अब इसे टेस्ट करके मैं आप सबसे शेयर करूंगी। कैसा है बिट्टू, कैसा है टेस्ट, कैसा है बताओ, कैसा है, अच्छा है कि बुरा बताओ, यम्मी है, यम्मी है, आपको पसंद आया, हाथ से दिखाओ, पसंद आया, थैंक यू बोलो, वेलकम। रिशु को बहुत पसंद आया, रिशु को बहुत पसंद आया। अब खाने वाली है मेरी बहन, खा के बताएगी कैसा लग रहा है, खा के बताना टेस्ट। पहली बार खा रहे हैं ना हम लोग, अच्छा लग रहा है, हेल्दी है, सही से बताना टेस्टी, हेल्दी तो है, टेस्टी है कि नहीं बता, क्या कमी है, दोनों है, बस थोड़ा सा नमक की कमी है। मिर्च तो दी नहीं, रिशु खाती ना इसलिए। अब मेरी बारी है टेस्ट करने की, अब मैं टेस्ट करती हूँ और खा के आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लगता है। वो तो बोले अच्छा लगा, रिशु को भी पसंद आया। नमक तो सही है, मैं ज्यादा खाती हूँ, नमक सही है, बस थोड़ा मिर्च होता तो और मज़ा आता। इसमें बहुत टेस्टी लग रहा है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इसमें वो दी चावल आटा तो थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है, तो और मज़ा आ रहा है, बाहर में पूरा क्रंची है, टेस्टी है। तुमको पसंद आया बेटू, अच्छा है। और दो खाई है, उसको पसंद आया, तो नहीं खाती वो। पानी पियोगे, पानी खोज कर, पानी पियोगे तो
बस मैं चटनी वगैरह कुछ बनाई नहीं हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है। वे खाते हैं हम लोग तीनों साथ में, चटनी अगर बनाती मैं और चटनी पूरा फेंक के यहाँ पे लेपती, जैसे गोबर से लेपते ना वैसे लेपती है। तो चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई हूँ मैं, एक्सपीरियंस हम लोग को। क्या बहुत टेस्ट है बाकी भी। मैं पिला दूँ पानी, गिलास खा, तुम्हारा गिलास खा, गिलास तुम्हारा पानी बोतल कहाँ है, तुम्हारा पानी बोतल कहाँ है, जाओ लेकर जाओ। मम्मा लाएगी पानी बोतल में, सुबह बोतल धो के पानी भर के दी हूँ। अच्छा है, इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बीट रूट से। बीट रूट अच्छे से कद्दूकस करके उसमें उबला हुआ आलू डाल के लूँ, उबला हुआ आलू डाल के वो बनाऊंगी, वो कल बनाऊंगी। फिलहाल यहाँ तक आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।